दिल्ली लौटते ही भाजपा पर टूट पड़े राहुल गांधी। दिल्ली तक मचा हाहाकार। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक पोस्टर जारी किया है, जिसमें उन्हें रावण की तरह दिखाया गया है। इसे लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। बीजेपी ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स, पहले ट्विटर पर, फिल्मी स्टाइल में एक पोस्टर शेयर किया है। इसमें लिखा है, रावण कांग्रेस पार्टी का प्रोडक्शन, निर्देशक जॉर्ज सोरस। ट्वीट में बीजेपी ने हंगेरियन अमेरिकन बिजनेसमैन जॉर्ज सोरस पर भी निशाना साधा। पोस्टर में रावण की शक्ल में राहुल गांधी की तस्वीर शेयर करते हुए बीजेपी ने लिखा है कि नए युग का रावण, ये दुष्ट धर्म विरोधी और राम विरोधी है, इसका लक्ष्य भारत को नष्ट करना है। इस पर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश ने पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की कोशिश राहुल गांधी के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देना है। उन्होंने एक्स पर लिखा, बीजेपी के आधिकारिक हैंडल पर राहुल गांधी को रावण के रूप में पेश करने वाले निशंस ग्राफिक का वास्तविक इरादा क्या है। इसका मकसद स्पष्ट रूप से एक कांग्रेस सांसद और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ हिंसा भड़काना और उकसाना है, जिनके पिता और दादी की हत्या भी उन लोगों ने कर दी गई थी जो भारत को विभाजित करना चाहते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए जयराम रमेश ने कहा है, प्रधानमंत्री का हर दिन झूठ बोलकर मानसिक रूप से बीमार होने और नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर से पीड़ित होने का सबूत देना एक बात है, लेकिन अपनी पार्टी से इस तरह की घृणा से भरे कंटेंट बनवाना न केवल पूरी तरह से अस्वीकार्य है बल्कि बेहद खतरनाक भी है। हम डरने वाले नहीं हैं। फिलहाल इस खबर को देखकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।